क्या बात है, क्या फसल उगी है मेरी। पूरे एक साल हो गए अब जाके मेरी फसल अच्छे से ग्रो हुई है। अब तो दबाकर खेती होगी, पैसे पैसे होने वाले हैं। और डैश इधर आ, इधर आ। यार कौन भोक रहा है, रुक जाओ एक मिनट। कौन आ गया परेशान करने? विलेजर्स, रुक जाओ, इनको चैन नहीं आया। मुझे अपने विलेज से भगा दिए और फिर से आ गए, शायद हफ्ता लेने आए होंगे। क्या हुआ टकलो? यार बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारी। तो मुझे क्यों बता रहा है, जा बता जाके मेयर को। अरे मेयर को तो मार दिया भाई। अच्छा उस चीज की मिठाई देने आया तू, क्या बात है, दे यार जल्दी। अरे नहीं, हमारे विलेज में एक विलेजर पागल हो चुका है और उसने अपनी खुद की एक आर्मी खड़ी कर ली है। आर्मी खड़ी कर ली है? कौन सी आर्मी, बीटीएस आर्मी? नहीं नहीं, म्यूटेंट ज़ॉम्बी आर्मी। अभी म्यूटेंट ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए इधर? अरे वो खुद एक्सपेरिमेंट करके बना रहा है, एक साइंटिस्ट का भतीजा है वो। यार सड़ी बात है, अपने घर पे रख, मुझे क्यों बता रहा है। और मुझे क्या मतलब तुम लोगों से, मैं तो जा रहा हूँ खेती करने के लिए। अब तो पैसे पैसे होंगे मेरे पास। अरे गरीब सोचे तेरी, जितना तू ये खेती से कमाएगा ना उससे डबल गुना हम तुझे दे देंगे। ये खेती बाड़ी बंद कर दे, इससे 100 गुना ज्यादा तुझे पैसे देंगे हम लोग। अभी तो पहले क्यों नहीं बताया पागल टकले, चल जल्दी मेरे पीछे आ जा, तेरे विलेज में चलते और बचाते तेरे विलेज को। ये क्या है, बाप रे, इतने सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बी और ये लोगों ने पूरा अड्डा बना लिए और तुम गरीबों को बाहर भगा दिए। एक काम कर भाई, तू ही कर ले ये सब, मैं पंगा नहीं लूंगा इनसे, बहुत गंदा मारते हैं लोग, मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुक रुक रुक, इसलिए तुझे हम 1000 गुना पैसे देंगे। 1000 गुना पैसे? मुझे पहले प्रूफ दिखा, 1000 गुना पैसे है ही नहीं तेरे पास। अरे तूने हम विलेजर को नल्ले समझा क्या? इधर तुझे दिखाता हूँ मैं, कुछ तो पैसे दिखाने वाला है ये। जाके देख अंदर और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। रुक जाओ, क्या है अंदर, गटर दिख रहा है मुझे। अभी ये क्या है, आंखों से क्या दिख रहा हूँ मैं, सोने के ब्रिक्स, सोने के स्पाइक्स है इधर। बाप रे डैमेज पहुंच रहा है भाई, सेफ्टी लगा के रखे है। और सबसे खतरनाक, सोने का टॉयलेट है तुम्हारे पास में। विलेजर्स इतने अमीर कैसे हो गए? ये तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो सोने का एप्पल खाते हैं। तुम लोग सोने का एप्पल खाते हो? अबे एक दो मुझे भी देना। चल हट, चुपचाप काम कर अपना। ये वाला विलेजर तो पक्का पछताएगा। तो विलेजर अच्छे सुन, जो मैं बोलूंगा मुझे वो चाहिए और तुरंत तेरा काम कर दूंगा। मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है, वो वाला जो जानवर है ना उसका आज बर्थडे है, तो मैं उसको बर्थडे सेलिब्रेट करके आता हूँ और दरवाजे से अंदर घुस जाऊंगा और फिर वो पागल साइंटिस्ट को पकड़ लूंगा मैं। चलो मैं चलता हूँ जल्दी से, और बहुत ज्यादा यार ये लोग बहुत डेंजर लोग हैं, कोई मारना दे मुझे। लेकिन यार कोई बात नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ उसका आराम से। यार ये तो बहुत ज्यादा बड़े वाले म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। और ये क्या हुआ भाई, लोग मैं मैटर करने के लिए नहीं आया बिल्कुल भी। ये देख यार तेरा आज बर्थडे ना, ये ले हैप्पी बर्थडे, केक काट जल्दी। क्या रे पागल समझाए क्या, हमारे साथ मस्ती करेगा है? अरे भाई किस बात की मस्ती, मुझे बस अंदर जाना है, तू केक काट यार, तेरे लिए और बड़ा वाला केक लेकर आ जाऊंगा मैं। चल चुप कर, अंदर कोई भी अलाउड नहीं है, खासकर प्लेयर्स। यार अगर तू बोलेगा ना रोज एक विलेजर सप्लाई करूंगा तेरे लिए, रोज खाना उनको बैठ के। तू निकलता की नहीं यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मार क्यों रहे, इतना बड़ा जानवर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेटा तुझे तो बताऊंगा मैं, एक दिन तो मारूंगा तुझे जरूर, लेकिन अभी निकलता हूँ। यार ये क्या है, पागल विलेजर कहीं के दिमाग खराब करके रख दिया, तूने कहाँ भेज दिया था मुझे? अरे मैंने कहा भेजा था यार, तू चुपचाप काम कंप्लीट करो, पैसे ले जा बस। अबे बेवकूफ विलेजर, वो लोग अपने बॉस के लिए जान देने को तैयार है। उसको मैंने विलेजर के बच्चे खिलाने की बात किया था और उसने मेरी बात माना नहीं। अब चुपचाप मुझे पूरी हिस्ट्री बताओ उस विलेजर की, जो पागल साइंटिस्ट बन चुका है। तो बात है आज से 5 साल पहले, जब माइनक्राफ्ट का सबसे गंदा विलेजर पैदा हुआ था, इससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था और उसको कोई भी दोस्त नहीं था और सारे विलेजर उसको पकड़ पकड़ के मारते थे। तो उसने बचपन में ये विलेज छोड़ दिया और कसम खा लिया कि विलेजर रोएंगे एक दिन। आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, अब बनो खेवड़े तुम सब। 5 साल लग गए मुझे ये जीत करने के लिए। यार क्या कहानी सुना दिया तूने मुझे, ये ऐसे भी विलेजर होते हैं? अब तो उसे मिलने जाना ही पड़ेगा, मैंने पूरे हथियार ले लिया हूँ, अब चलते उसे मिलने के लिए। मैं खोद के जाने वाला उसके बेस की तरफ और मैंने सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट ले लिया हूँ। मुझे लगता है उसको हराना बहुत मुश्किल है, तो चलते हैं पहले और उसे सौदा करके आते हैं कुछ। तो माइन करते करते मैं पहुंच चुका हूँ इसकी वॉल के पास और ये वॉल को मुझे खोदना, अपने हाथों से खोद देता हूँ इसको मैं। और ये देखो मैं इसकी वॉल के इस पर आ चुका हूँ, तो चुपके से इसको वापस लगाते हैं और अब बस मुझे यहाँ से आगे की तरफ माइन करना है। और पहुंच गया हूँ मैं ऊपर, सामने तुम लोग देख रहे हो वो साइंटिस्ट का घर है और ये बड़े बड़े जानवर खड़े इधर, बाप रे देखना ले मुझे। और ये क्या बेडरॉक का पूरा गेट, और इसने क्या बड़ा बेस बनाया है, इन लोगों का पिछवाड़ा क्यों दिख रहा है मुझे। और मुझे लगता है मैं गलत जगह आ चुका हूँ यार, मुझे भी ये लोग ज़ॉम्बी बना देंगे क्योंकि ये सारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ भाई रेंग रेंग कर, मुझे नहीं फंसना इनके सामने, आराम से चलते हो। ये गड्ढा क्या इतना बड़ा, मैं उस घर के बाजू में पहुंच चुका हूँ। और ये कौन सी मशीन है, यही शायद कन्वर्ट वाली मशीन है, लेकिन ये खाली क्यों है? और अबे ये या भालू क्यों है इधर, ये भालू मारेगा तो नहीं मुझे। मैं अच्छे से क्रॉल करके इधर हूँ, बहुत खतरनाक निंजा टेक्निक है मेरी। और वो साइंटिस्ट है कहाँ पर, उसको अपनी आंखों से देखना मुझे। छी कितना गंदा शक्ल है इसकी। एक काम करता हूँ भालू के बाजू से रेंग कर चलता हूँ और देखता हूँ क्या कह रहा है वो बंदा। बेटा भालू खाना मत मुझे बस। ओके भालू शायद उधर देख रहा है कहीं पर, और यहाँ पर भी एक भालू है, बाप रे दो दो भालू है इधर। अब मैं बड़े बड़े ज़ॉम्बीज को भी म्यूटेंट बनाऊंगा, अब कोई नहीं बच पाएगा मेरे कहर से। अभी मैं जाता हूँ अपने पुराने मशीन के पास और उनको अब और बड़ा बनाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं उसको इधर निपटा दूं। एक काम करते हैं चुपके से अंदर चलते हैं और देखते हैं कर क्या रहा है वो। अंदर जाने के लिए यहाँ पर बटन है लेकिन गेट की आवाज आएगी। और वो क्या है, वहाँ पे विलेजर जा रहे हैं और वो ज़ॉम्बी बदल रहे हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। एक काम करते हैं इस तरफ चलते हैं, इस तरफ कुछ होगा। और ये देखो यहाँ पर ये विलेजर्स हैं और वो कुछ तो होकर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है अंदर राक्षस, जो वहाँ से जाकर देखना पड़ेगा मुझे। और कैसे तो करके मैं टेरेस में आ चुका हूँ और ये देखो अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बीज है इधर, और सबसे खतरनाक वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी, वो कातिल ज़ॉम्बी।
वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी और गोलम को भी नहीं छोड़ा इसने। एक काम करता हूँ, मैं कांच में खोदता हूँ, टूट ना जाए बस ये। यार कुछ भी हो जाए इसको रोकना पड़ेगा। और ये क्या, कांच टूट गया। कौन है वे तू? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। नमस्ते सर। एक सेकंड, तू तो इंसान है, तू इधर कैसे आया? बॉडीगार्ड पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। नहीं शिट, भागना पड़ेगा मुझे, पीछे पड़ गया जान के मेरे, इतने सारे म्यूटेंट मेरे पीछे पड़ गए। यार वो गड्ढा कहाँ पर था? शिट, भागना पड़ेगा मुझे, लगता है इस तरफ था कहीं पर। और ये लोग आ पाएंगे इधर? भाई ये क्या हुआ, हल्क बन चुका है वो तो। और ये वाला वो माइन नहीं था बिल्कुल भी, यहाँ से फंस जाऊंगा मैं। ओके अभी आ जाए, उस तरफ वो माइन था। और ये रहा वो माइन, और वो जानवर इधर ही आ रहा है। शिट भागो जल्दी। और ये रहा वो गेट, बच गया यार आखिरकार मैं। और यहाँ पर लगा देते इसको, भागो जल्दी। ये क्या बात हुई? अबे विलेजर तुझे मालूम है अंदर क्या चालू है? वो राक्षस बना रहा है बाकी विलेजर्स को। अरे हाँ भाई, मेरा मामा भी राक्षस बन चुका है। अब सब कुछ बहुत पर्सनल हो चुका है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अब मैं करने वाला सबसे नीच काम, एक काम कर, तू कोई ऐसे बंदे को बुला खिला जो विलेजर्स के लिए जान दे सकता हो। जा भाग जल्दी। ओए विलेजर सामा जल्दी दरा, तेरे लिए एक मिशन है। क्या मुझे कोई मकसद पूरा करना है, मैं तैयार हूं। यार इसके आदमी तो बॉम्ब दिख रहा है मुझे, ये आदमी परफेक्ट लग रहा है इस काम के लिए। तो विलेजर सामा सुन, तुझे ये ले सुसाइड वेस्ट, तुझे पहनना है पहले। और ये जो बटन है ना, अब जब तू बेडरॉक गेट के पास पहुंचेगा तब तुझे वो बटन दबाना है, और तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। जब तू ये काम पूरा कर लेगा ना, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे, जा जल्दी। अरे बड़े सोचा तूने तो, चलो भाई काम के बाद डिसाइड करेंगे ये, चलो। अभी विलेजर मुझे लगता है ये बंदा सच में काम का है, ये कुछ ना कुछ कर दिखाएगा यार, इसकी आंखों में चमक भी है। और देखो वो जा रहा उस तरफ, और अभी बीजे फूट गया। ये क्या कर रहा है वो, मुझे तो नहीं पता, पता नहीं कौन सा आदमी को पकड़ के लेके आ गया मैं। क्या बोला तूने? शायद अभी पागल है, एक सुसाइड वेस्ट है मेरे पास में, वो भी करोड़ों रुपए का। अब तू भरपाई करेगा? मिलता भी नहीं है वो। अरे रुक रुक, मेरे पास है, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा। तू आइडिया बताएगा, बैल बुद्धि, बता क्या आइडिया है, सुन लेते तेरी बात भी। अरे ज्यादा कुछ नहीं, तुझे कैनन बनना पड़ेगा। कैनन? कैनन ये कैसे बनूंगा, कैनन क्या होता है, और मैं कैसे कैनन बन सकता हूँ? तो कैनन नहीं बनेगा, कैनन के अंदर तू बैठेगा बॉल बन के। ये तो सोचा ही नहीं मैंने, ये कैसे पॉसिबल है। एक काम कर, अगर तूने सेटअप कर दिया ना तो मान जाऊंगा। और कहाँ भाग रहा है ये, सेटअप करने जा रहा है? चलो देखते क्या करता है बंदा। बेटा विलेजर तू एक घंटे से गायब था, क्या किया तूने एक घंटे में? ये देख, ये तो TNT है, ये क्यों दे रहा है? एंडर TNT, ये कहाँ से ला लिया तूने, और इसे होता क्या है? अरे ये एंडर TNT से तुझे नॉक बम मिलेगा खतरनाक वाला, और तोड़ के चले जाएगा उस बेस के अंदर। यार आइडिया तो खतरनाक है तेरे पास में, लेकिन अगर मैं मरा ना तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटा मैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर रखता हूँ मैं TNT को, और मुझे बस यहाँ पर जलाना है। ये लोग देख भी नहीं पाएंगे और मैं उस तरफ पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद क्या यार, इतनी ऊंचाई से गिर के तो मर जाऊंगा मैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, ये ले पकड़ पैराग्लाइडर। ठीक है दे दे पैराग्लाइडर, दे दे तू, और खतरों खिलाड़ी का सीजन बना रहा है तू, ऐसे से टास्क कौन करता है? चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी करके पार करना, पैसे चाहिए मुझे। बताओ पैसे क्या क्या करवाती है इंसान को। यहाँ पर आग लग चुका है, बस मुझे सही एंगल पकड़ना है, और फिर देखते क्या होता है। एक मिनट, मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो स्पेस में पहुंच जाऊंगा ऐसे। और ये क्या देख रहा हूँ, मैंने अर्थ को छोड़ दिया, अर्थ मेरे नीचे, और वो रहा सन, और मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मून। अरे यार ये तो मून है, पहले पैराग्लाइडर ले लेता हूँ अपना। और ये मैं मून में कैसे पहुंच गया एकदम से, पता नहीं विलेजर के कौन से कॉन्टेक्ट रहते हैं। चलो कोई नहीं, ये वाला पैराग्लाइडर भी खत्म हो रहा है, जल्दी हम पहुंचते हैं। और जल्दी मुझे उठाना पड़ेगा, अब मुझे रॉकेट ढूंढना पड़ेगा अर्थ वापस जाने के लिए, क्योंकि वो रहा अर्थ और मैं हूँ मून में। यार कहाँ फंस गया इधर? और वो क्या है, वो कोई पिरामिड है? एक मिनट, मुझे रॉकेट दिख रहा है, और वो क्या है, नीले नीले एलियन, ये लोग तो बहुत डेंजर दिख रहे हैं मुझे। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा पास जाके सुनना पड़ेगा। चलो साथियों चलते हैं अपन, और पृथ्वी पर राज करेंगे। ये पृथ्वी पर राज करने आया है, इसको पता भी नहीं है कैसे कैसे लोग हैं, वो साइंटिस्ट देख लो। और ये लोग तो जा रहे हैं उधर, और ये सही समय इनके रॉकेट को लेके भागने का। एक सेकेंड, वो देखो कोई पृथ्वीवासी हमारा रॉकेट ले जा रहा है, पकड़ो साथियों उसको, पकड़ो। भाई क्या पकड़ो, तू लेट हो गया बेटा, बेटा तू लेट हो चुका है। शिट, रॉकेट लेके भाग चुका है वो दोस्तों। खैर ये लोग किस प्लैनेट से आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रॉकेट मुझे मिल चुका है, क्या बात है। अब मैं उस विलेजर को बताता हूँ, पता नहीं क्या दे दिया उस नॉकबैक TNT। बहुत मुश्किल से लैंड कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल करना पड़ रहा है स्पेसशिप को। बस एक बार लैंड कर जाओ, और अपने अर्थ पे पहुंच चुका हूँ मैं, और छोड़ देते इसको, क्या बात है लैंड हो गया। अब जल्दी मैं निकलता हूँ यहाँ से, आखिरकार पहुंच गया इस वाले कैंप में मैं। और विलेजर तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, इधर देख इधर। अरे डेक्स तू तो अंदर जाने वाला था, तू इधर क्या कर रहा है? क्या बोला तूने भाई, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अभी मैं चांद पे पहुंच गया था, तूने इतना खतरनाक TNT यूज किया, अब तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ये ले मार खा, अबे भाग कर रहा है, उस तरफ भागेगा तो वो मारेंगे, और इस तरफ मैं पकड़ूंगा तुझे। अरे सॉरी सॉरी, मैं तुझे कुछ और बताता हूँ। अब टकले तू शांत रह, जो मैं बोलूंगा वो तू करना। अब वो पागल साइंटिस्ट को अपने हाथों से मारूंगा मैं। पता नहीं नल्ला विलेजर कहाँ पर मर गया, मैंने उसको कहा था बहुत सारा सपोर्ट लाने के लिए, ओ उसे ला लिया सपोर्ट, क्या बात है। आराम से आओ, धक्का मुक्की नहीं, ये देख देख सबको ले आया मैं। शाबाश तूने मेरा नाम लिया है, मेरे बहुत पहचान वाले लोग हैं। एक्चुअली में ये लोग भी बहुत ज्यादा लालची होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वफादार भी होते हैं। तो स्नो गोलम्स तुम्हें पता है किसको मारना है, सामने तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं उनको मारना है, जान जाए कुछ भी जाए, तुम्हें बस अपना काम पूरा करना है, भागो जल्दी मारने के लिए। चलो साथियों सबको मार के आओ। तो ये लोग तो जा रहे हैं, और मुझे सही समय का इंतजार करना है, और मैं वहाँ पे गड्ढा करूंगा, और फिर होगा हमला। कैसे जा रहे हैं मारपीट करने के लिए वो लोग। अबे विलेजर देख रहा है तू क्या खतरनाक फाइट चल रही है उन लोगों की, ये हो रहा है एकदम मारपीट खतरनाक वाला, और अपने स्नो गोलम कम पड़ रहे, जल्दी बैकअप बुला विलेजर। यार ये तो बहुत खतरनाक फाइट चल रहा है भाई, तू एक काम कर नजर रख और बैकअप बुलाते रहे, मैं जा रहा हूं अपना काम करने के लिए। यार बहुत खतरनाक फाइट है, और मैं इस कोने में आ चुका हूं, सारे के सारे बड़े वाले म्यूटेंट उस तरफ देख रहे हैं, मतलब ये मेरा सही मौका है।
अब मैं ला चुका हूँ खतरनाक वाला डायनामाइट और मुझे ये वाली दीवार भी मारना है। इधर कोई भी नहीं है बिल्कुल, ये वाला भी बिल्कुल नहीं देखेगा तो फोड़ते पहले। और ओ गड्ढा हो गया, क्या बात है। और मुझे बस अंदर जाना है और उसके पूरे बेस को तहस नहस करना है। अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, एकदम चुपके से मुझे जाना है और भालू ना दिख जाए यार फिर से। पता नहीं भालू भी पाल के रखा इसने। और पूरा उसका लैब, ये इसका पूरा लैब है और कुछ तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। वहाँ पे एक जॉम्बी का सर कटा हुआ है और ये मैजिकल TNT। एक मिनट, मैंने तो जॉम्बी का कॉस्ट्यूम पहन लिया हूँ, अब मैं आराम से जा सकता हूँ यार। अच्छा जॉम्बी का सर काट के लगा लिया। अब चुपके चलते यहाँ पर और इनके साथ खड़े हो जाते हैं। भाई मैं भी इनके साथ हूँ। तुम तीनों, अरे चार, तुम चारों को थोड़ी ना बुलाया था। चलो आ गए तो आ गए। ये TNT कल हमें लॉन्च करना है। TNT लॉन्च करना है, एक बार पूछता हूँ इससे। तो और लेकिन TNT से हुआ क्या, ज्यादा जबान लड़ा रहा है। अच्छा चल पूछ लिया तो बोलता हूँ तुझे। तो ये TNT से आसपास के सारे गाँव के विलेजर जॉम्बी में बन जाएंगे, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये क्या यार, ये तो गलत बात है। तू मुझे जॉम्बी जैसा क्यों नहीं लग रहा, जा अपनी जगह पे जा, खड़ा हो जा वापस। पता है मैं जॉम्बी क्यों नहीं लग रहा हूँ, बता दो, रुक जाओ, मेरे पास ये वाला TNT है और ये नहीं लग रहा हूँ इसलिए। जॉम्बी लोग पकड़ो इसे, जॉम्बी पकड़ो इसे, दूसरी बार आया ये बंदा। वो तो ठीक है लेकिन ये जगह मैंने पूरा फोड़ दिया, मैं तो कभी भाग जाऊंगा। चल जल्दी निकलते हैं भाई, पागल हो चुका है वो। और वापस से टनल से भागना पड़ेगा मुझे, तो बस उधर पहुंचना है मुझे। और अरे ये इधर क्यों देख रहा है, अरे बेटा तो पकड़ नहीं पाएगा आज मुझे। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अभी रॉकेट मैं कल नहीं आज ही लॉन्च करूंगा। अरे ये क्या बात हुई, रुक जाओ ये ले तू, ये भी पकड़। वो भाई डॉच कर लिया उसने और ये देखो इसका पूरा घर तहस नहस हो गया। लेकिन यार ये रॉकेट आज ही लॉन्च करने वाला है, एक काम करते एक इसके मुंह पे मार दो। ये ले बेटा और मैं निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से। विलेजर जल्दी नीचे उतर वहाँ से, बहुत बुरी खबर लाया हूँ मैं। अरे क्या हुआ, बखला क्यों रहा है। तुझे मालूम है वो साइंटिस्ट क्या करने वाला है, 100 किलोमीटर के आसपास के जितने भी गांव है वहाँ पर एक TNT फोड़ेगा और उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा लेकिन सारे विलेजर्स ज़ॉम्बी बदल जाएंगे और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और वो मुझसे भी ताकतवर बन जाएगा और हीरो ब्रेन से भी। तो ठीक है मैं निकलता हूँ 100 किलोमीटर दूर। अरे लालची आदमी रुक जा, मेरे पास एक आइडिया है। तेरे पास होगा प्लान ए और बी, मेरे पास CDFZ तक होता है। तो मैंने सोच लिया क्या करना है, अब मैं यूज करने वाला हूँ TNT जो मैंने मेयर के घर से चुराया था। तू तो यार बहुत अच्छा निकला है, एकदम बेमानुस। तू विलेजर के बारे में कितना अच्छा सोचता है। इसको कैसे बताऊँ, विलेजर के बारे में नहीं सोचता हूँ यार, विलेजर नहीं रहेंगे तो मैं हफ्ता किसे वसूली करूंगा। तो चल जल्दी से प्लेन का जुगाड़ कर, मैं TNT का जुगाड़ करता हूँ, भाग जल्दी, टाइम बिल्कुल नहीं है, दोपहर में फोड़ेगा वो बम। तो हमारा रनवे तैयार है पूरा और विलेजर भी वहाँ पर पूरा रेडी बैठा हुआ है और वहाँ पर हमें अटैक करना है और मेरे हाथ में पल्सर TNT और ये न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चलो जल्दी से बैठता हूँ मैं और प्लेन को उड़ाते हैं पहले। तो विलेजर में जा चुका हूँ और ये हमारा रनवे स्टार्ट हो गया, उड़ान भर लिया मैंने, क्या बात है। और मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हाइट में, तो एक काम करते हाइट में जाने का ट्राई करते पहले। एक काम करते मैं थोड़ा लेफ्ट से घुसता हूँ, वहाँ पर ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। तो पहुंच गया मैं उसके घर के नीचे और वो विलेजर मुझे कहीं दिख रहा है, शायद नीचे है वो। जो मुझे थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर रखते अपने प्लेन को और यही सही समय TNT को छोड़ने का। तो TNT को फेंकते हैं और TNT बहुत धीरे नीचे जाने वाला है। तो दोस्तों वो समय आ चुका है हम लोग वो TNT को लॉन्च कर दें। कितनी आवाज कैसी आई, ऊपर से प्लेन जा रहा है क्या, अरे ये क्या है। तो मैंने इसके बेस में TNT लगा दिया हूँ, अब बस मुझे ऐसे जल्दी निकलना है और वहाँ पर भी मैं नहीं रुक सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है इधर। और वहाँ पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो खतरनाक आवाज आ रही है। और एक मिनट, ये क्या ब्लास्ट हुआ, ये दो हवा में मर गए। और ये क्या, पूरा का पूरा गड्ढा हो चुका है, हर चीज बर्बाद हो गई। विलेजर देख रहा है तू, क्या तबाही की हम लोगों ने, हर जगह लावा ही लावा और वो पागल साइंटिस्ट भी मर गया। देखा, बचा लिया मैंने सबको, अब मुछे चाहिए 1000 गुना पैसा। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से, कैसा 1000 गुना, कुछ नहीं मिलेगा। बर्बाद कर दिया, ये देख मेरे हाथ में क्या है, मशाल है क्या ये, मशाल है, ये ले मशाल, बता तो तुझे मशाल, ये ले, मैं जा रहा हूँ इसके पूरे पैसे हड़पने के लिए, भागो जल्दी।